तो यार फाइनली इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा केविन लेवन की टॉप 5 बेस्ट फॉर्म के बारे में, जिनमें से कुछ के बारे में तो आप जानते होंगे और कुछ के बारे में तो मैं भी नहीं जानता था ये वीडियो बनाने से पहले। और हाँ, इस वीडियो में मैं आप लोग को जितने भी केविन लेवन के बारे में बताऊंगा वो सब 100% ऑफिशियल है। हालांकि इनमें से कुछ नॉन कैनन हो सकते हैं और जिन लोग को नॉन कैनन के बारे में नहीं पता वो मेरी ये वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, हाईली रिकमेंडेड। और हाँ, ये एक नॉन रैंक वीडियो है तो फिर बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो नंबर 5 में आता है केविन लेवन एलियन फोर्स म्यूटेशन। और इस वीडियो में ये एक लौता म्यूटेशन है, इवन पूरे बेंटन सीरीज में ये एक लौता म्यूटेशन है, क्योंकि केविन लेवन के बाकी के म्यूटेशन के मुकाबले इस म्यूटेशन में ओमनीट्रिक्स का एक भी एलियन नहीं है। हालांकि इस म्यूटेशन के आने और जाने की भी वजह ओमनीट्रिक्स ही था। ये हम लोग को सबसे पहले देखने मिला था बेंटन एलियन फोर्स के सीजन 3 के सेकंड एपिसोड वेंचर्स ऑफ विलगेक्स पार्ट 2 में, जिधर ओमनीट्रिक्स के साथ छेड़छाड़ करने के दौरान केविन लेवन की ये हालत हो जाती है। हालांकि वो मदद ही कर रहा था। आई नो ये ट्रांसफॉर्मेशन कूल है, लेकिन इस म्यूटेशन के बाद केविन अपने आप को मॉन्स्टर मानने लग गया था, क्योंकि एक और बार ओमनीट्रिक्स की वजह से उसको एक ही फॉर्म में फंसा रहना पड़ गया था और वो वापस ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ पा रहा था। लेकिन एट द एंड ऑफ सीजन 3 या फिर यू कहूँ कि बेंटन एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में ओमनीट्रिक्स के साथ केविन लेवन के इस वाले म्यूटेशन का भी अंत हो जाता है। तो नंबर 4 में आता है स्टोन केविन। और सच बताऊं तो ये कभी बेंटन के ओरिजिनल टाइमलाइन में एग्जिस्ट करा ही नहीं है। ये हम लोग को सबसे पहले देखने मिला था बेंटन एलियन फोर्स सीजन 3 के 15 एपिसोड टाइम हिल्स में, जो कि एक परफेक्ट एपिसोड था क्योंकि इसमें हम लोग को ये बताया गया था कि क्या होता अगर सीजन 3 के स्टार्टिंग में केविन लेवन म्यूटेशन में नहीं ट्रांसफॉर्म होता। तो चैमकेस्टर केविन को वश में करके स्टोन मॉन्स्टर में बदल देती, ग्वेन को मार देती और फिर उसके बाद बेन को बंदी बना देती, जो कि सेंस भी करता है क्योंकि इसी एपिसोड के कुछ एपिसोड पहले एपिसोड 9 इन चार्म्स वे में चैमकेस्टर केविन को किस करके वश में करने की कोशिश करती है। हालांकि वो सक्सेसफुल हो जाती है, बट केविन लेवन बच जाता है उसके म्यूटेशन वाले फॉर्म के वजह से। आफ्टर ऑल स्टोन केविन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर फॉर्म है केविन लेवन का, जो कि ना तो अपनी ऑस्मोसियन पावर का इस्तेमाल कर सकता है और ना ही अपने दिमाग का। तो नंबर 3 में जो केविन लेवन का एब्जॉर्प्शन फॉर्म आता है वो है टेटेनाइट फॉर्म, और ये एक पावरफुल फॉर्म है। केविन लेवन का ये फॉर्म हम लोग को सबसे पहले देखने मिला था बेंटन एलियन फोर्स के एपिसोड केविन्स बिग स्कोर में, जहाँ पे वल्केनिस केविन को टेटेनाइट एब्सॉर्ब करवाकर उसका इस्तेमाल कर रहा था। इस एपिसोड में हम लोग को ये भी बताया जाता है कि टेटेनाइट इस मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे ज्यादा प्रेशियस और रेयरेस्ट जैम है, और साथ ही साथ पावरफुल भी, क्योंकि केविन लेवन का ये फॉर्म हम लोग को दूसरी बार देखने मिला था बेंटन अल्टीमेट एलियन के एपिसोड टू हॉट टू हैंडली में, जिसमें केविन टेटेनाइट को एब्सॉर्ब करके गलती से एनर्जी का कंटेनमेंट सूट तोड़ देता है। और इस एपिसोड में ये भी बताया गया था कि टेटेनाइट ही सिर्फ है जो कि एनर्जी के सूट को तोड़ सकता है। आफ्टर ऑल केविन लेवन का ये वाला फॉर्म बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फॉर्म है। तो यार नंबर 2 में जो केविन का एब्सॉर्प्शन फॉर्म आता है वो है मड फॉर्म। आई नो केविन लेवन का ये फॉर्म सुनने में थोड़ा कॉमन और सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी ये फॉर्म इतना ज़्यादा डिफरेंट है कि इसको एनिमेशन में कभी दिखाया ही नहीं गया, इवन कॉमिक में भी बहुत कम समय के लिए दिखाया गया। इस फॉर्म में केविन लेवन मड को यानी कि कीचड़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे होता ये है कि वो एक ही समय में सॉलिड भी रहता है और लिक्विड भी, और इसी चीज़ का केविन लेवन बैटल के दौरान अच्छा खासा फ़ायदा भी उठा लेता है, क्योंकि कीचड़ को एब्सॉर्ब करने की वजह से इसके पास रीजनरेशन, हीलिंग और बॉडी अल्टरेशन की पावर आ जाती है। केविन लेवन का ये फॉर्म हम लोग को सबसे पहली और आखिरी बार देखने मिला था बेंटन की कॉमिक पावरलेस में। आफ्टरऑल केविन लेवन का ये फॉर्म बहुत ही ज़्यादा यूनिक फॉर्म है, कोई भी इसको हैंड टू हैंड कॉम्बैट में नहीं हरा सकता, आई मीन ओवर पावर कर सकता है लेकिन जान से नहीं मार सकता, क्योंकि हर बार केविन अपने आप को हील और अपनी बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर लेगा। तो नंबर 1 में जो केविन आता है वो है डीएनए एलियन केविन, और ये हम लोग को सबसे पहले देखने मिला था बेंटन एलियन फोर्स डी गेम में, जिसमें बेसिकली होता ही ये कि केविन लेवन के ऊपर जेनोसाइट हमला कर देते हैं और उसके ऊपर 100% कंट्रोल तो नहीं लेकिन उसके अंदर के बैड गाय को बाहर निकाल देते हैं। जेनोसाइट के हमला के बाद केविन लेवन अदर डीएनए एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बिल्कुल जैसे ग्वेन का भाई होता है। और कमाल की बात तो ये है कि आधा डीएनए एलियन होने के बावजूद केविन अपनी ऑस्मोसियन पावर का इस्तेमाल कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो गेम के दौरान स्टील, रॉक और वुड जैसे ऑब्जेक्ट्स को एब्जॉर्ब कर पा रहा था। और क्योंकि वो आधा डीएनए एलियन था तो फिर वो डीएनए एलियन का सबसे ज्यादा कॉमन अटैक स्प्लिम स्प्लिट का भी इस्तेमाल कर पा रहा था। आफ्टर ऑल केविन लेवन का ये फॉर्म बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्म था, क्योंकि बेन को भी प्रॉब्लम जा रही थी इसको हराने में, लेकिन एट द एंड बेन जीत जाता है और जेनोसाइड को केविन से अलग कर देता है।
तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो मेरा एक काम कर दो, इस वीडियो में कमेंट करो, और ऐसे कमेंट करो कि जिसको पढ़कर अच्छा लगे, मतलब कि यार मोटिवेशन मिले कि हाँ यार और वीडियो बनानी है, और मोटिवेशन मिलेगी तभी तो अच्छे कंटेंट मिलेंगे यार। और उसके अलावा अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं करवाएगा तो वो भी कर देना, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। तो हाँ यार, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।